नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शराबी सिपाही की हंगामा करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सट्टी थाने में तैनात सिपाही लालेंद्र सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने कारनामे की वजह से छाया हुआ है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर कस्बे में कांस्टेबल सिपाही लालेंद्र सिंह और फौज में तैनात विनय जो कतरी निवासी बताया जा रहा है, रविवार शाम लगभग 6 बजे सिपाही और फौजी शराब के नशे में धुत होकर शाहजहांपुर कस्बे में हंगामा कर रहे थे। तभी जहांगीरपुर निवासी राजकुमार अनुज किसी काम से शाहजहांपुर कस्बे आए हुए थे। शराबी सिपाही रास्ते में चल रहे लोगों को गाली गलौज करता दिखाई दे रहा था, तो वहीं सिपाही की इस करतूत को देखकर लोग एकत्रित हो गए। इस बात को लेकर शराबी सिपाही व फौज में तैनात जवानों ने राजकुमार के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। मारपीट पर उतर आए सिपाही लालेंद्र ने मुंह से काटकर राजकुमार को घायल कर दिया। वहीं कस्बा वासियों में आक्रोश देखकर थाना अध्यक्ष कपिल दुबे मौके पर पहुंचे और तुरंत फौजी और सिपाही को गिरफ्तार कर थाने में बैठाया और कार्रवाई की चेतावनी दी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो को देखकर कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने थाने में तैनात सिपाही को तत्काल निलंबित कर दिया है। हालांकि ये वीडियो लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही एक होमगार्ड का वीडियो वायरल हुआ था, तो वहीं सट्टी थाने में तैनात सिपाही का वीडियो फिर से सामने आया। जिस तरह से कानून आम जनता से दुर्व्यवहार कर रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों का विश्वास कानून के प्रति क्या होगा, जिससे आम जनता का पुलिस से भरोसा भी उठ रहा है। सर, एक सिपाही की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 20 सड़क मारपीट कर रहा है और उसमें एक पुलिसकर्मी उसको रोकने का प्रयास भी कर रहा है, क्या पूरा मामला संज्ञान में, क्या वजह थी मारपीट की, क्या कार्रवाई हुई? थाना सट्टी के अंतर्गत एक फौज का जवान और एक पुलिस वाला जो थाना सट्टी में ही नियुक्त है, दोनों ही सट्टी चौराहे पे थे, दोनों ही आपस में मित्र हैं और फोर व्हीलर गाड़ी से वो जा रहे थे। उनके पीछे से एक जेसीबी आ रही थी। जेसीबी चालक ने उन दोनों से अपनी गाड़ी को साइड करने के लिए कहा। इसी बात पर उन दोनों में कुछ कहा सुनी हुई, दोनों में हाथापाई की नौबत आई और वहाँ चौराहे पे ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस सूचना पर पुलिस वहाँ पहुँची, फिर दोनों ही पक्षों को अलग किया और चूँकि उसमें सिपाही की गलती थी, इसकी उनकी इस गलती पे उसे निलंबित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित है और जेसीबी चालक की शिकायत पर आगे अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।